जैन समाज करेरा द्वारा विगत दिनों हुई कर्नाटक में जैनाचार्य संत काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध में आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जहां जैन समाज द्वारा जैन मुनि की हुई निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि उन्होंने भी ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जो कर्नाटक में जैन साधु के साथ घटना घटित हुई है उसकी पुनरावृत्ति किसी अन्य साधु के साथ जीवन में ना हो, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारा समाज और हमारा धर्म सुरक्षित रहे। जैन समाज ने अपने ज्ञापन में सरकार से मांग की कि मुनिराज की हत्या की साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो और उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाए, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से करेरा जैन समाज अध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन, महामंत्री देवेंद्र कुमार जैन, धर्मचंद जैन, प्रमोद सिंघई, शैलेंद्र जैन, हरेंद्र जैन, श्रेणिक जैन, धर्मेंद्र जैन, नेमी जैन, प्रमोद जैन, अभिनव जैन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैन, गुलाब चंद जैन, कोमल प्रसाद जैन, निखिल जैन, हेमेंद्र जैन, अरविंद जैन, रानू जैन, मुकुल जैन, सुशील जैन सहित बड़ी तादाद में जैन समाज की महिलाओं ने भी भाग लिया। करेरा जैन समाज द्वारा करेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, क्या है पूरा मामला? हमारे जैन संत आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की कर्नाटक में निर्मम हत्या की गई है और उनके शरीर के टुकड़े कर करके बोरवेल में डाल दिए गए। उसके विरोध में संपूर्ण जैन समाज हिंदुस्तान के विश्व का भी रोष एवं रोष व्याप्त है और उसी क्रम में आज करेरा की जैन समाज द्वारा संपूर्ण जैन समाज द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को लिखा जाए। अगर 8 या 10 दिन के अंदर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो करेरा जैन समाज और अन्य विश्व जैन समाज निश्चित रूप से आगे धरना प्रदर्शन अशांति तो नहीं कह सकता क्योंकि जैन धर्म में अशांति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और जो भी होगा उसके लिए मजबूर होकर सब कुछ करना पड़ेगा। अन्य रक्षा होना चाहिए, जबकि दिगंबर रहते हैं उनके इसमें आरोप लगा गया पैसे का लेना, जबकि हमारे यहाँ मुनि पैसा छूटे तक नहीं है। वहाँ जो स्थानीय कमेटी जैन समाज की होती है, स्थानीय मंदिरों की, वो आज सब करती है और जो झूठा आरोप लगा के और इस तरह का जो कृत्य किया है निश्चित रूप से घिनौना कृत्य है और पूरा जैन समाज से आलोचना करता है और अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष के लिए भी जैन समाज पूरा हिंदुस्तान का तैयार रहेगा और भारत सरकार से मांग की जाती है कि जैन योनियों की सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम हो उठाए।